हे गाइस वेलकम टू स्पार्टन सुप्स। आई होप गाइस अच्छे होंगे। सो गाइस मुझे याद है मैं आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एटलीस्ट एक वीक में एक वीडियो डालूंगा बीजीएमआई से रिलेटेड, जिसमें ओवरऑल एक वीक में जितना भी बीजीएमआई से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन रहेगा वो एक ही वीडियो में कवर करूंगा। बट सीरियसली मेरा बात मानो, मेरे से वो भी नहीं हो रहा। उन लोगों को डेफिनेटली अप्रिसिएट करना चाहिए जो बंदे रोज बीजीएमआई का न्यूज़ निकाल निकाल कर आपको दिखाता है इतना मेहनत से। मेरे से तो नहीं हो पा रहा, मुझे माफ़ कर देना भाई। मुझे जब भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा तब वीडियो बनाऊंगा। एक वीक वाला जो गारंटी में दिया था वो मैं वापस ले रहा हूं, मेरे से ना हो पाएगा। क्योंकि गाइस मुझे डेली बीजीएमआई का न्यूज निकालने के लिए उन लोग का जैसे लेवल में पहुंचना होगा, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं जितना भी बीजीएमआई से रिलेटेड न्यूज चैनल है उन लोग का हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप लोग नहीं रहते तो भाई बीजीएमआई कभी आता ही नहीं इंडिया में। मजा आ गया भाई, आप लोग रह गया बोल के आज हम लोग बीजीएमआई को विटनेस करने वाले कुछ ही दिन में। खैर मेरा से तो नहीं हो पाया, बट मैं दो तीन न्यूज़ को कवर करके आपको ये वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले बीजीएमआई से रिलेटेड ही बात कर लेता हूँ कि क्राफ्टन को 20 मिलियन से खुशी नहीं मिला। इस चलते वो हर एक पोस्ट में, हर एक ट्रेलर में, टीजर में, जो भी बोल सकते हैं, उसे प्रीरजिस्टर करने के लिए बोलता। उन लोग को 50 मिलियन या 100 मिलियन का माइलस्टोन चाहिए। तो डेफिनेटली आप 10-15 अकाउंट बना लो और उसको हर एक दिन जितना पोस्टर आएगा हर एक दिन 5-5 अकाउंट से प्रीरजिस्टर करो, जिससे क्राफ्टन वाला का शांति मिले और उसके बाद वो गेम लॉन्च करे। भाई क्या कर रहे हो, कुछ नया तो दिखाओ, डेली का वही नौटंकी है। खैर इतना ही न्यूज़ था बीजीएमआई से रिलेटेड। पहले वाला पोस्टर में थोड़ा सा अच्छा लगा ये कि उसमें ऑलमोस्ट हेयर लिखा, तो लग रहा कि भाई अब आ ही गया समझो। बट कब तक आएगा वो किसी को भी नहीं पता। 18 तारीख को आएगा कि नहीं वो भी देख लो। तो अभी हालांकि आते हैं सेकेंड न्यूज़ में, वो है कि पबजी मोबाइल में बहुत ही जल्दी एक और इवेंट आने वाला है और ये शायद से आपको इंडिया सर्वर में देखने को मिलेगा, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान सर्वर में ये फ्रूट कॉम्बो पार्टी नाम का एक इवेंट आने वाला है। ये समर एक्सक्लूसिव इवेंट होने वाला है। इसका टाइम पीरियड आप देख लीजिए, 10 जून से लेकर 30 जून के अंदर ही आपको ये इवेंट देखने को मिलेगा और इसमें आपको बहुत सारे फ्रूट वाला आउटफिट दिखाई देगा। तो होपफुली इसमें से कोई एक फ्रूट आपको परमानेंट मिल सकता है, फ्रूट नहीं आउटफिट, फ्रूट वाला आउटफिट परमानेंट मिल सकता है, कुछ समर से रिलेटेड हो। क्योंकि इससे पहले भी कौन सा एक कंट्री में ये पानी वाला इवेंट आया था जिसमें हम लोग को बकेट फिल करने के लिए बोला गया था, शायद इंडोनेशिया था। उस वो इवेंट में ऐसा था कि वो बकेट में अगर 100 लीटर पानी आप डालेंगे तो आपको एक आउटफिट या एक एसकेएस का गन स्किन था वो परमानेंट मिल रहा था। तो मुझे लगता है वैसे किस्म का ही कुछ इवेंट होगा जो कि पानी से रिलेटेड होगा, समर पार्टी है। तो देखो कैसा इवेंट आता है और मोस्ट प्रोबेबली ये आपको इंडियन सर्वर में देखने को मिल सकता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल ये सब तो कंट्री में तो गारंटी है ये इवेंट दिखेगा ही, बट इंडिया में भी शायद से ये देखने को मिल सकता है। अच्छा आउटफिट है, इसी चलते मैं ये आपको इन्फॉर्म कर दे, क्योंकि आज ही से पाकिस्तान वाला पेज एंड बांग्लादेश वाला पेज में ये वाला इवेंट को टीज किया जा रहा है, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पबजी न्यू स्टेट से पूछा गया था कि हाउ विल न्यू स्टेट रिस्पॉन्स टू द इलीगल प्रोग्राम एंड। तो पबजी न्यू स्टेट की तरफ से ये रिप्लाई आया कि जैसे हम लोग पबजी का एक्सपीरियंस देखे है मोबाइल का, तो उसको देख के हम लोग अपना ये वाला पबजी न्यू स्टेट का भी जो सिक्योरिटी है बहुत ही हाई रखेंगे। और हम लोग ये प्रोग्राम, जैसे हम लोग का पबजी मोबाइल जो है उसमें बैनपैन प्रोजेक्ट चलता है, तो वैसे ही आपको ये पबजी न्यू स्टेट में भी एक प्रोजेक्ट दिखाई देगा जिसमें जितना भी हैकर्स रहेगा, इलीगल प्लेयर रहेगा, उसको बैन किया जाएगा और उसका रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे किस्म का प्रोजेक्ट वो लॉन्च करेगा जैसे गेम लॉन्च हो जाएगा। तो ये एक रिप्लाई था ऑफिशियल जो कि मैं आपको दिखा दिया। तो जाते जाते एक लास्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ कि आपको पता है 1 तारीख को हम लोग का सिनर्जी पार्टी नाम का एक इवेंट आया था जिसमें हम लोग को परमानेंट लेजेंडरी आउटफिट मिल रहा था। और मैं आपको दिखाया था कि वो जो इवेंट है 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक चलने वाला है। तो बहुत लोगों का कन्फ्यूजन हो रहा था कि भाई 11 तारीख को लास्ट रहेगा कि 12 तारीख को लास्ट रहेगा। तो देख लो गाइस, ये है आपके सामने एक नया पोस्टर जिसमें पबजी मोबाइल खुद इन्फॉर्म कर दिया कि ये जो इवेंट है 11 को लास्ट रहेगा, मतलब 11 तारीख को पूरा दिन आप इसको चला सकते हैं, इवेंट को देख पाएंगे अपने गेम के अंदर। 12 तारीख को सुबह 5:30 बजे ये इवेंट गायब हो जाएगा। तो जितना भी कॉइन आप लोग कलेक्ट कर रहे हैं फटाफट रिडीम कर लेना, 11 तारीख को ही लास्ट डेट है और 3 दिन अभी बचा हुआ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसी 3 दिन के अंदर ही जितना हो सके आप रिडीम कर लेना। मुझे लगता है मैक्सिमम लोग दोनों आउटफिट को तो निकाल ही चुके हैं और एक हेडगियर निकल जाएगा, ठीक है। अगर आप सब मिशन कंप्लीट करोगे तो एक हेडगियर मिल जाएगा, उसके साथ साथ कुछ कूपन्स और स्क्रैप भी ले सकते, ठीक है। तो 3 आइटम तो कन्फर्म है, 2 आउटफिट और 1 हेडगियर, और बाकी जितना भी रिमेनिंग कॉइन्स रहेगा उसको आप कोई भी बीबी क्रेट या जो भी चीज़ है उससे आप कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो चलो इतना ही रखते हैं वीडियो को, मैं बहुत सारा अलग अलग गेम का आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया, सबके सब पबजी से रिलेटेड है। तो डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छा लगा हुआ वीडियो और जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलता है मैं आपको डेफिनेटली वीडियो बना के दिखा दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।